दूसरी है भयंकर भूकंप। फिर कह रहा हूं ये पूरी दुनिया के लिए भविष्यवाणी, भयंकर भूकंप होंगे, इतने भयंकर होंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे। तो भयंकर तुर्की में 22 दिन पहले यानी 6 फरवरी को आए भूकंप के जख्म अभी भरे भी नहीं हैं कि फिर से भूकंप ने लोगों को दहलाना शुरू कर दिया। सोमवार को तुर्की के दक्षिण पूर्वी इलाके में भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया। जमीन के कांपने पर वहां 29 इमारतें ढह गई। भूकंप से एक शख्स की मौत हो गई तो वहीं 69 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप के इस झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.6 दर्ज की गई। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में एनिमल वेलफेयर चैरिटी चलाने वाले हैताप ने बताया कि जब भूकंप आया तो माल्टिया शहर में एक इमारत गाड़ी के ऊपर ढह गई। हालांकि बिल्डिंग गिरने से पहले ही गाड़ी में मौजूद लोग वहां से निकल गए। 6 फरवरी को तुर्की में आए भूकंप ने वहां जबरदस्त तबाही मचाई। अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले तुर्की में भूकंप के झटके 6 फरवरी को आए थे। पहला झटका सुबह करीब 4:17 पर आया जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड थी। भूकंप का केंद्र दक्षिणी तुर्की का गाजियांटेप था। इससे पहले कि लोग इससे संभल पाते, कुछ देर बाद ही भूकंप का एक और झटका आया जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 मैग्नीट्यूड थी। भूकंप के झटकों का सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे से सुना देखा आपने, इस समय भूकंप रुक नहीं रहे, चाहे वो तुर्की सीरिया हो, चाहे वो भारत हो, चाहे कहीं भी हो, विशाल पे विशाल भूकंप, छोटे भूकंप आ रहे हैं। लेकिन जैसा परमेश्वर ने बताया है कि भारत में विशाल भूकंप अभी आना बाकी है। दूसरा मेरे अजीजों के परमेश्वर की वचन की सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। यीशु मसीह ने कहा कि कहीं हर एक जगह भूकंप होंगे और वाक्य में इस समय भूकंपों का तांता लग चुका है। लेकिन आने टाइम में हम और भूकंप देखेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर दया करें। गॉड ब्लेस यू।